हाय दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आइए आज चलते हैं एक लिथियम फास्फेट में, लिथियम फास्फेट के बैटरी पैक बना के स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे आप लोगों को। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद हमारा यही था कि बहुत से भाई लोग मोटरसाइकिल के लिए किट लेते हैं, 750 वाट चाहे 1000 वाट की किट लेते हैं। तो बाद में क्या होता है कि इन लोगों के लिए बैटरी के काफ़ी समस्या आ जाता है, सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से बैटरी, कौन सा बैटरी लगाया जाए। तो उन्हीं भाई लोगों के लिए ये स्पेशल वीडियो है। तो ये बहुत सस्ता में लिथियम फास्फेट में बैटरी बन जाएगा। आप अगर घर में जो हम दिखा रहे हैं, जिस तरह से दिखा रहे हैं, इस तरह से अगर वीडियो आप बढ़िया से देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि किस तरह से बनाना है। और बहुत सस्ता में ये आपका बाइक के लिए, इलेक्ट्रिक बाइक के लिए बैटरी बन के तैयार हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम में दिखा देते हैं। देखिए ये एक, तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये पैरेलल कनेक्शन दिया गया है। तो ये देख सकते हैं पैरेलल कनेक्शन, और इसके साथ ये सीरीज कनेक्शन, एक ही साथ में ये प्लेट तैयार करके, इस तरह के प्लेट तैयार करके पैरेलल और सीरीज का एक साथ में इसको कनेक्शन दे दिया गया है। तो इसके लिए ये प्लेट बनाया गया है। ये देख सकते हैं कॉपर के प्लेट है, कॉपर के ये प्लेट है ओरिजिनल। तो आप किसी भी शॉप से जहाँ कॉपर के ये पत्ते मिलता है वहाँ से ले लीजिए, और इसी साइज में इसको किसी चीज़ से काट लीजिए। काट के देख सकते हैं ये वेल्डिंग कर दिया गया है, सोल्डरिंग किया गया है इसको रंगा से। और इस तरह से प्लेट बना करके ये जो प्लेट है, ये जो बैटरी को बैठाया गया है, ये प्लेट रेडीमेड मिल जाता है। देख सकते हैं ये होल किया हुआ मिल जाता है। तो ये सारे सामान जो भी देख रहे हैं आप, ये प्लेट के छोड़ करके, ये प्लेट आप अपने एरिया में खोज लीजिएगा, पता कर लीजिएगा तो ये मिल जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। ये प्लेट, बैटरी, ये सारे चीज़ जो है हमारे पास मिल जाता है। तो आप लोग इसको ले करके घर में ही जो है, जिस तरह से दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे इसको, ये तो पूरा कर लिया गया है, ये देख सकते हैं ये पूरा कर लिया गया है। इसका एक एक ये पॉजिटिव निकल गया और ये नेगेटिव निकल गया, देख सकते हैं सिंगल फेस में। और इधर देख सकते हैं ये पूरा कनेक्शन है, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन है। तो ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का ये सीरीज है और ये 4 का पैरेलल है। तो ये बन के तैयार हो गया है। इसमें केवल अब बाकी रह गया दो तार निकालना, नेगेटिव और पॉजिटिव, और इसके साथ इसको कनेक्शन करना है, इसको कनेक्शन देना है। तो ये हो जाएगा 16 सीरीज का 24 एम्पियर का 48 वोल्ट और 24 एम्पियर का बैटरी बन के तैयार हो जाएगा। ये एक्चुअली 16 सीरीज का है, इसीलिए इसका वोल्टेज जो है 48 से ज़्यादा रहेगा। तो ये 48 वोल्ट से ऑपरेट होने वाला कोई भी आप मोटर को इससे चला सकते हैं। तो सारे सामान देख लीजिए, ये निकेल प्लेट है, कॉपर के निकेल प्लेट है। और ये देख सकते हैं ये रंगा आता है जो आपके किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप में मिल जाएगा। ये प्लेट आपको मंगाना पड़ेगा, ये प्लेट आप ये मशीन में बना हुआ है तो ये मिल जाएगा रेडीमेड। ये जो सेल देख रहे हैं, ये लिथियम फास्फेट में 6000 मिली एम्पियर में सेल है, ये भी आप ले सकते हैं। और ज़रूरत के हिसाब से आपको जितना चाहिए, जो आपको करना है, फ़ोन करके हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, तो आप लोग किसी के ज़रूरत है तो इसके विषय में फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इसको और थोड़ा जो काम बाकी है इसको करके दिखाते हैं किस तरह से आप कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये बैटरी तैयार हो गया है, और ये देख सकते हैं ये मेन पॉजिटिव टर्मिनल है, ये सिंगल छोड़ दिया गया, और ये देख सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल, इसको छोड़ दिया गया है। तो ये 8 सीरीज का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सीरीज का है। और इसमें भी देख सकते हैं ये 2 पार्ट में बनाया गया है, ठीक है, ये 8 सीरीज और ये 8 सीरीज। तो इस 16 सीरीज को फिर इसको दोनों को इस तरह से, ये वाला देख सकते हैं, ये वाला ये बोर्ड ऐसे बीच में रख करके इसको ऐसे रखा जाएगा, तो ये बैटरी पैक इस तरह बनेगा, ठीक है। और ये यहाँ से इसका कनेक्शन ये पॉजिटिव से, ये नेगेटिव में इसको सीरीज कनेक्शन दे दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 16 सीरीज का। तो देख सकते हैं इस तरह से आप खुद घर में जो है अपना बैटरी बना करके आप अपने बाइक में लगा सकते हैं। सीरीज कनेक्शन और देना है क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, तो इसको जब यहाँ से ये मेन नेगेटिव, ये मेन पॉजिटिव, और इधर देख सकते हैं ये मेन पॉजिटिव मेन नेगेटिव, इसमें से यहाँ से इसको जब कनेक्शन दिया जाएगा तो ये पूरा सीरीज हो जाएगा। तो अब क्योंकि एक एक बैटरी में ये 26 वोल्ट आ रहा था, तो अब इसको अब यहाँ से एक कनेक्शन दे दिए हैं, अभी देना है पूरा चारों में सीरीज कनेक्शन देना है, इसमें से यहाँ से निकाल के यहाँ देना है, यहाँ से निकाल के यहाँ देना है, और ये वाला चौथा वाला को निकाल के यहाँ से देना है। अब इसके बाद ये सिंगल फेस ये माइनस और ये प्लस रह जाएगा, तो अब इसमें आप मल्टीमीटर में चेक कर सकते हैं आउटपुट वोल्टेज कितना इसमें से निकल रहा है। तो देख सकते हैं ये माइनस पॉइंट है और ये प्लस पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं ये पूरा में जब कनेक्शन हो जाएगा तो ये 52 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और इसको जब खोल देंगे, इसको निकाल दिए, तो अब ये सिंगल वाला को देख सकते हैं, सिंगल वाला में देख सकते हैं ये माइनस टर्मिनल है और ये प्लस टर्मिनल है, तो अब ये दोनों में अब देख सकते हैं ये 26.1 वोल्टेज आ रहा है। तो समझ लीजिए ये एक बैटरी में, ये पूरा एक बैटरी में 26 वोल्ट है और इसमें भी 26 वोल्ट है, तो ये दोनों में जब सीरीज कनेक्शन दिया जाएगा तो 52 वोल्ट हो जाएगा। तो 48 वोल्ट वाला कोई भी गाड़ी के लिए ये आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए यही तक समाप्त कर रहे हैं, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिए, इसलिए कि जब जब भी कोई नया वीडियो दे तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।